सारे ही विद्यार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए जमात दसवीं राजस्थान बोर्ड सुरजीत पात्र की रचना सुन्ने सुन्ने राहां विच। सुन्ने सुन्ने राहां विच कोई कोई पैड़ है, दिल ही उदास है, बाकी सब खैर है। ये गाना भी है भाई हंसराज हंस ने गाया होया, तुसी सुन सकते हो, बहुत ही प्यारा है। पर आपां प्रसंग ते व्याख्या की चर्चा करांगे तां केंद्री भाव की। सब तो पहला प्रसंग यह काव्य पंक्तियां साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियां विच दर्ज सुरजीत पात्र की रचना सुन्ने सुन्ने राहां विचों, सुन्ने सुन्ने राहां विच विचों लईयां गईयां हन। इस विच कवि ने एक सधारण परिवार की विथिया, सधारण परिवार की कहानी नूं बयान किया है, जिस परिवार का मोढ़ी है जिहड़ा प्यो वह बाहर कमाउण लई जांदा है और की औकड़ां आंदियां ने, उसका वर्णन इस दे अंदर है। सधारण परिवार की विथिया इस दे अंदर है भाई। व्याख्या, सुन्ने सुन्ने राहां विच कोई कोई पैड़ है, दिल ही उदास है, बाकी सब खैर है। कवि कहिंदा है कि सुन्ने सुन्ने राहां दे उत्ते कोई कोई पैड़, कोई कोई निशान है, मेरा दिल ही उदास है, बाकी सब खैरियत है, खैर सुख है। इत्थे कवि यह कहना चाहता है कि वह सुन्ने राह जिन्हां उत्ते वह कदी गया ही नहीं सीगा, उन्हां उत्ते उस दे प्यो दे पैरां दे निशान है, क्योंकि उनका प्यो है जेड़ा वो पैसे कमाण लई बाहर गया है भाई। इस कारण उनका दिल उदास है, बाकी सब खैर सुख है, क्योंकि उन्होंने आस है कि बापू आवेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो पैसे कमाण गया होया है। ये एक प्रकार की एक सधारण परिवार की कहानी, जिन्हां दा बापू दूर प्रदेश जा दूर देश किसे काम करता है, होर उन्हां दे परिवार ते जो बीतदी है उसका बयान। आओ अगे शुरू करिए। दूर एक पिंड विच छोटा जिहा घर सी, कहिंदा दूर दुराडे एक पिंड दे अंदर जिहड़ा एक छोटा जिहा घर सी, साडा घर सी उह बड़ा छोटा सी, कच्चियां सी कंधां, उहदा बोड़ा जिहा दर सी, इत्थे थोड़ा लिखिया तां बोड़ा होगा भाई, बोड़ा जिहा दर सी। उह कहिंदा कि इहदी कंधां सी उह कच्चियां सी और उहदा जिहड़ा दरवाजा सी उह बोड़ा सी, जिवें मूँह दे दंद है जिहड़े उह कई टुटे भज्जे जे होण, बिंगे टेढे जे होण, तां उह बोड़ा आपां कहिंदे आ बोड़ा है भाई। इस तरीके उहनां दा दरवाजा सी जिहड़ा उह भी बोड़ा सीगा। तो इस कारण उन्हें उस घर का बयान किया कि दूर एक पिंड विच एक छोटा जिहा घर सी, जो कि जिहदियां कच्चियां कंधा सी, कच्चा घर सी और जिहदा दरवाजा भी टुटिया होया सी भाई। अम्मी मेरी चिंता सी, बापू मेरा डर सी, उदों मेरी औध यारो एवें फुल पर सी। अम्मी मेरी चिंता सी, मनू मेरी माँ की भी बड़ी चिंता सी पई, तो बापू मेरा डर सी, मनू मेरे बापू का भी डर सी भाई, बापू है जो वो बाहर गया हो बई, तो इस कारण बापू का भी डर सी किधर कोई गलत काम ना कर बैठे। उन्हों अपनी माँ की भी चिंता सी। उदों मेरी औध यारो एवें फुल पर सी, कहिंदा उदों मेरी होंद सी जिहड़ी वो बस फुल पर सी, यानी कि मेरी बचपन की अवस्था सी, औध माने उम्र, उदों मेरी बचपन की अवस्था सी, तो मैं छोटा जिहा सीगा भाई। जदों दा साडे नाल खुशियां दा वैर है, कहिंदा उदों दा ही साडे नाल खुशियां दा वैर है, खुशियां खेड़ियां ने साडे घरे कदम नहीं पाए भाई। अगला, दोदली दसूती फुल पाउण भैणा मेरियां, दोदली दो दंदा वाला, जो दो दंद होंदे छोटी जी उम्र के,
दसूती। दसूती की है कि दो सूतों की जिहड़ी कढ़ाई हुंदी है भाई उस नूं दसूती आख्या जांदा है। तो वह कहिंदा कि जदों हजे बचपन की अवस्था सी उदों तो ही मेरियां भैणां जिहड़ियां दसूती फुल पाउण लग गईआं सी। कहण दा भाव कि अपने दाज दा समान है जो वह तैयार करन लग गईआं सी। फुल्लियां ने किकरां ते फुल्लियां ने बेरियां, कि जिवें किकरां ते बेरियां लगो लग वधदियां जांदियां ने, फुटदियां रहिंदियां ने, उवें ही मेरियां जिहड़ियां भैणां है वह दिनों दिन जवान हो रही हैं। कंधां नाल उच्चियां तरेकां होईआं तेरियां, कहिंदा कंधां नाल उच्चियां तरेकां जिहड़ियां उह हो गईआं, तरेकां इक रुख है भाई, उवें मेरियां भैणां जिहड़ियां उह वड्डियां हो रही हैं, लगातार जवान हो चुकियां ने। तोर डोली तोर हुण कादियां ने देरियां, हुण डोली तोड़न दा समां आ गया है, हुण किस चीज़ की देरी है भाई, डोली है वह तोड़ देनी चाहिए है। कहण दा भाव कि धीआं भैणां जवान हो गईआं भाई, साह लै लोका हाले मेरी लेखा नाल कैड़ है, साह लै लोका। लोकां ने तां अपने जवाक व्याह के सह भी लै ले भाई, परंतु वह कहिंदा मेरी लेखा नाल कैड़ है, परंतु मेरी हजे लेखा नाल लड़ाई है, मेरी हजे लेखा नाल कुड़तण है भाई। कैड़ कुड़तण तो बनिया शब्द है कैड़, कहिंदा हजे मेरी की है कि लेखा नाल लड़ाई चल रही है। लोकां ने तां अपनियां बच्चियां व्याह भी लईआं ते सां लै रहे आराम नाल, तां उह कहिंदा हजे मेरी लेखा नाल लड़ाई चल रही है, कुड़तण है। मैली जी सियाल दी उह धुंदली सवेर सी, कहिंदा सियाल दी मैली जी उह धुंद वाली सवेर सी बई, सवेरे सियाल दे जिहड़े दिन हुंदे आ उहदे च बड़ी धुंद पैंदी हुंदी है। सूरज दे चढ़न च हाले बड़ी देर सी, कहिंदा सूरज नूं चढ़न अगे हजे देर सीगी। कहण दा भाव कि उह हजे कठिनाइयां दे दौर तों गुजर रहा सीगा, हजे उहदे बापू आउण बाद चंगे दिन आने हजे उहदे बाकी सी, सूरज चढ़न दे हाले देर सीगी भई, उहदा जिहड़ा चंगा समां आउण लई हजे थोड़ा वक्त सी भई, समां लगेगा। पिता परदेस गया जदों पहली वेर सी, कहिंदा जदों उहदा प्यो परदेस गया पहली बार परदेस गया, मेरी माँ दे नैणां विच हंजू दा हनेर सी, कहिंदा मेरी माँ दे नैणां दे विच हंजू दा हनेर सी। मेरी माँ सी जिहड़ी उह बहुत ज़्यादा दुखी सी और उह रो रही सीगी, क्योंकि उहदे मन दे अंदर दर्द सी अपने पति दे विछोड़े दा, इस कारण उह रो रही सी भाई। हाले तक नैणां विच माड़ी माड़ी गहर है, कहिंदा हाले तक भी नैणां दे अंदर लाली हैगी है भाई, उन्हां दे जाण दा विछोड़ा दर्द है जिहड़ा उह हजे तक असीं सहार रहे हां। किथे दे आ पंछियां नूं किथे चोगा लभिया बई, किथे दे पंछी नूं किथे चोगा लभदा भाई। देखो दूरों दूरों पंछी आंदे है चोगा चुगण वास्ते। उह कहण दा भाव कि जिहड़ा अपना आंदा प्यो सीगा उह वी पंछियां दे वांगू किते दूर गया सीगा कमाई करन लई, धीआं दे वसेबे लई बापू देश छड़िया। कहिंदा मेरियां धीआं जिहड़ियां उह दूजे घर दे विच चंगी तरह वस जाण, वसेबा वस जाण, उहनां दा विआह करा लां। धीआं दे विआह लई पैसे कमाउण लई जिहड़ा बापू सी उसने देश छड़िया सी। किन्ना है महान देश उदों पता लग्या, कहिंदा मैनूं उदों पता लग्या कि मेरा देश किन्ना महान है बई, उह अपने देश दे अंदर बड़ा खुश है। उदों नूं महसूस हुंदा कि अपनी जिहड़ी धरती है ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਡੂੰਘਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਚੁੱਲ ਉਹ ਤਿਰੰਗਿਆ, ਚੁੱਲ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਚੁੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਈ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੈੜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ।
सुने सुने राहां दे उत्ते कोई कोई पैड़ है पई, दिल ही उदास है बाकी सब खैर है। वह सुने राहां दे उत्ते वेखदा है उनका प्यो है जिहड़ा उनके प्यो दे पैरां दे निशान ने, निशान नूं वेख के वह की कहिंदा कि उनका दिल है उदास है परंतु बाकी सब खैरियत है। उन्होंने एवें लगता है कि बापू आएगा और बहुत सारे पैसे ले आएगा और सारे साडे दुख है जो कट्टे जाणगे पई। ये जिहड़ी गल है वह इस सुने सुने राहां गीत दे अंदर सुरजीत पात्र ने बयान की है। लो जी सुरजीत पात्र है जिहड़ा, एक बार इसका विशा वस्तु वेख लैने सुने सुने राहां दा। जदों तुसीं विशा वस्तु लिखना तो शुरू तो लैके उनका प्यो गया, उन्होंने घर की हालत कि जी सी, उन्हां दी परिस्थितियां कि जीआं सीगियां, की उन्होंने किहड़ियां कठिनाइयां का सामना किया, किहड़ियां औकड़ां उन्हां दे अगे आईआं, ये जिहड़ियां गल्लां इहदे अंदर है ये तुसीं दिमाग दे विच रखणी है। सुने सुने राहां विच आवे तां तुहाडे दिमाग च एक गल जरूर होनी चाहीदी है बई ये इस विच आ चीज़ लिखनी है कि बई उनका बापू जिहड़ा बाहर चला गया सी और पिछों किहड़ियां औकड़ां दा सामना करदे आ, जूझदे जिहड़ियां औकड़ां नाल, उन्हां दा बयान है बई। वह दसदा बई मेरे पिंड च एक छोटा जिहा घर सी, कच्चियां कंधां सी, दरवाजा भी टुटिया होया सीगा, ते मैनू मेरे माँ प्यो की चिंता सी, मैं उदों बच्चा जा सी, मेरियां जिहड़ियां भैणां सी उह दाज दा समान तैयार कर रही हैं, वह तीरे तीरे वड्डियां हो रही हैं, सानू व्याहन दी फिकर सी, ठीक है, और उदों औकड़ां ज़्यादा सीगी, माँ भी मेरी की कहिंदे आ कि बड़ी दुखी सी, रो रही सी पई, और साढ़े भी अखां दे विच लाली सीगी, कहिंदा देखो जिवें पंछी है दूर कमाइयां करन जांदे आ, मेरा प्यो ने अपने कुड़ियां दे विआह लई अपना देश है जो छड़ता, फिर मैनूं पता लग्गिया जिहड़ी मात भूमि है उह किन्ना बंदे नूं किन्नी खुशी हुंदी है, मिल के मेरा सत्कार तिरंगे दे प्रति होर वध गया, मैं सोचदा रहा तिरंगा सदा झुलदा रहे। यह जिहड़ियां गल्लां ने उस दे अंदर है पई, केंद्री भाव दे अंदर है जो आपां नूं संखेप दे रूप च लिख देना पई। सुने सुने राहां विच जिहड़ी रचना है वह सुरजीत पात्र दी है और इस विच वह अपने घर की विथ्या कहानी बयान करता है कि उनका बापू दूर प्रदेश गया कमाई करन लई और उनके पिछे जिहड़े माँ प्यो उन जिहड़ी उनकी माँ है वह भी चिंतित है, रोंदी है याद करके अपने, और उन्होंने भी अपने प्यो की याद आती है, इस कारण उदास है, बाकी सब खैरियत है, धियां उन्हां दियां जिहड़ियां भैणां है उनदियां जवान हो रही हैं, दाज दा समान तैयार कर रहे हैं, उन्होंने व्याहना है, इसलिए वो चला गया परदेस पई, और अपने देश विच बहुत खुशियां होती हैं, इस कारण मेरा तिरंगे दे प्रति सत्कार वध गया। इन्नी जी गल आपां केंद्री भाव दे विच लिख देनी है पई। धन्नवाद बई तुहाडे सारयां दा ही।